सबसे पहले तो मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं जय हिंद कहना चाहूँगा जी। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज कॉल था कि 16 तारीख को हम शांतिपूर्वक तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी का आज लाइव प्रसारण था उसका विरोध करेंगे, तो पुलिस प्रशासन के साथ कल जो मीटिंग हुई तो उसमें पुलिस प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे अव्यवस्था हो। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम एक शांतिपूर्वक तरीके से एक हमारी रैली निकालेंगे, जिसका हमने उनको मैप रूट भी दिया कि बस डिपो से वो रैली स्टार्ट होके बाईपास बेबी हैप्पी होते हुए अबोर बाईपास से वापस सतीपुरा, सतीपुरा से चूना फाटक और चूना फाटक से भगत सिंह चौक आकर ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें आश्वासन दिया गया, हमने उनको ये भरोसा जताया कि हम स्कूल के अंदर एंटर नहीं होंगे, डीएवी स्कूल जिसमें प्रोग्राम रखा गया। फिर भी पहले बेबी हैप्पी के आगे उन्होंने ट्रकों को रोक को बैरिकेटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने बैरिकेटिंग की डीएवी स्कूल के आगे। तो हमने जैसे तैसे हमने कहा कि हमें जाना है और हम जाके रहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हमें जाने दो, हम उनके साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग किया और हमें उन्होंने झूठा कहा कि तुम हमारे साथ धक्का कर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम पहला जो बैरिकेड था वो पहला बैरिकेड क्रॉस करके शांतिपूर्वक तरीके से आगे गए, तो हमने कहा जैसे हम पीछे से क्रॉस करके आए हैं हमें आगे भी जाने दीजिए और हम सीधे निकल जाएंगे। पुलिस प्रशासन के पास मैं और मेरे एक साथी राय साहब चार हम दोनों गए बात करने के लिए कि सर हमें शांतिपूर्वक तरीके जाने दो। पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ अभद्र टिप्पणी में हमारे साथ बात की, उन्होंने हमें गाली गलौज किया, गाली गलौज कहते ही उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि लठ मारो इनके। और चलो ठीक है, लठ मारने की बात आई तो आप हमारी टांगों में मारो, हमारे विरोध करो, धक्का दे के मैं बाहर निकला। आप सिर पे मारने का आपको अधिकार किसने दिया है? कानून आपको अधिकार नहीं देता, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जता सकते हैं और धरना दे सकते हैं। तो हम वही चीज़ कर रहे थे, पर इनको पुलिस वालों को प्रशासन को किसने अधिकार दे दिया कि आप किसानों के सिर में लाठी मारो? आज मेरे टांके आए हैं, खुदा ना खास्ता अगर मेरे सिर में चोट लग जाती और भगवान ना करे मेरी मौत हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? पुलिस प्रशासन होता, जो राजस्थान की भाजपा सरकार होती या इनका जो सरगाना बैठा है मोदी वो होता, और जो दिल्ली हमारे साथियों के लिए इन्होंने किले इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं, बैरिकेटिंग लगा रखी है, वो बैरिकेटिंग आप पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर जाके लगाओ जहाँ से टेररिस्ट एंटर होते हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपना हक लेना चाहते हैं। दुकानों पे आप सब जाते हो भाई बंधु, दुकान पे आप कोई चीज़ लेते हो तो दुकानदार आपको रेट बताता है कि साहब इतने की आप खरीद लो। तो हमें किसानों को क्यों अधिकार नहीं है कि हम अपनी फसल का रेट हम कह के दें कि जी हमारी फसल इतने की आप खरीदो? आगे क्या रहेगा? आगे जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल आएगा, और दूसरा हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 19 तारीख को शांतिपूर्वक तरीके से पूरे हनुमानगढ़ जिले के जो टोल हैं वो फ्री करवाए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे, टोलों में हमारा विरोध किया जाएगा, और यही हमारा आगे की है। और दूसरी बात, मैं आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा मैं पूरे भारत को और पुलिस खासकर राजस्थान की पुलिस प्रशासन को बात करना चाहता हूँ। आप हमारी हड्डी तोड़ सकते हो, आप हमारा सिर तोड़ सकते हो, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, हम अपना हक लेके जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।